कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। सोशल मीडिया पर मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू को लेकर ये मुहावरा ट्रेंड कर रहा है। भारत से विवाद के बाद मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू चीन पहुंचे हुए हैं। वहीं मालदीव में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी हो रही है। कुल मिलाकर भारत से विवाद के बाद अपने घर में घिर गए हैं मालदीव के राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करना मालदीव की सरकार को काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है। मालदीव सरकार टिप्पणी करने वाले अपने तीनों नेताओं को सस्पेंड कर चुकी है, मगर भारत के सख्त रुख से मालदीव की सरकार के सिर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। वहां सरकार गिरने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि मालदीव में विपक्ष राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को सत्ता से बेदखल करने की मांग कर रहा है। मालदीव के सांसद अली अजीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरेआम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की है। उन्होंने लिखा कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को उनके पद से हटाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, यानी भारत विरोधी कदम उठाकर मालदीव की सरकार ही खतरे में पड़ गई है। मालदीव के पूर्व खेल मंत्री अहमद महलूफ ने कहा है कि भारत के बॉयकॉट का मालदीव की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। मुझे चिंता है कि हमें दोनों देशों के बीच विवाद का खामियाजा भुगतना मुश्किल होगा। इसकी वजह विवाद के बाद से दो दशक में ऐसा पहली बार हुआ है जब लक्षद्वीप को गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है। सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद पूरी दुनिया में लोग लक्षद्वीप को सर्च कर रहे हैं। इस पूरे विवाद पर न्यूज 18 इंडिया ने लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल से बात की। उन्होंने लक्षद्वीप का दौरा करने के लिए प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ तो की ही, ये भी कहा कि लक्षद्वीप पर्यटकों का स्वागत करने के लिए तैयार है। सच बताए तो जो होना चाहिए इतना 70 मतलब कि 7 दशक तक नहीं हुआ है, वो पीड़ा का विषय है। लेकिन टूरिस्ट की जितनी भी आवश्यकता है इसको पूरा करने के लिए हम पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से, पूरी ताकत से लगे हुए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें मालदीव के घर घर में देखी जा रही हैं। मालदीव की सत्ता के गलियारे से लेकर आम लोगों के बीच बस इन्हीं तस्वीरों की चर्चा है। वजह है भारत में चल रहे बॉयकॉट मालदीव का कैंपेन। अभिनेता अमिताभ बच्चन से लेकर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर तक मालदीव के खिलाफ पोस्ट कर चुके हैं। भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मालदीव के मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियों की मालदीव एसोसिएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री ने कड़ी निंदा की है। एसोसिएशन का कहना है कि ऐसी टिप्पणियों की निंदा करते हैं क्योंकि हमेशा मुसीबत के वक्त भारत मालदीव के बचाव में सबसे आगे रहता है। इस बीच न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी मिली है। हमारे सूत्र बताते हैं कि मालदीव की सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में भारत विरोधी स्टैंड ले रही है। दरअसल मालदीव के कई ऐसे नेता हैं जो ड्रग डीलरों और कट्टरपंथी गुटों से फंडिंग ले रहे हैं। ये कट्टरपंथी गुट भारत से नफरत करते हैं, लिहाजा इन्हें खुश करने के लिए मालदीव की सरकार ऐसे कदम उठा रही है जो भारत विरोधी है। इस विवाद का एक सिरा चीन से भी जुड़ता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज्जू जब सत्ता पर काबिज हुए थे तो वह इस नारे के साथ आए थे, इंडिया आउट। उन्होंने कसम खाई थी कि मालदीव से भारत के सैनिकों को वह वापस भेजेंगे और इस पूरी कवायद के पीछे मास्टरमाइंड चीन को माना जा रहा है। भारत और मालदीव का रिश्ता ऐतिहासिक रहा है। दोनों देशों के बीच का संबंध इतना गहरा रहा है कि मालदीव में नया राष्ट्रपति अपनी पहली विदेश यात्रा में भारत आता था। लेकिन मोहम्मद मोइज्जू अभी चीन में है, चीन के सामने नतमस्तक है। सवाल है, क्या श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अब मालदीव चीन का नया शिकार बनने वाला है? चीन के कर्ज जाल में फंसकर पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो चुका है। चीन के कर्ज जाल में फंसकर श्रीलंका आर्थिक तौर पर बर्बाद हो चुका है और अब उसी राह पर मालदीव है। कर्ज का दाना फेंक कर कैसे मालदीव को भी ड्रैगन अपने खूनी जबड़े में फंसाने की तैयारी में है, इसका कच्चा चिट्ठा हम आगे खोलेंगे। उससे पहले आइए ये जानते हैं कि कैसे मालदीव में कट्टरपंथियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है।
न्यूज 18 की इन्वेस्टिगेशन में मालदीव के बारे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मालदीव की बनी नई सरकार और यहां के राष्ट्रपति कट्टरपंथियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और बैकडोर से सरकार पर पूरा कंट्रोल इन्हीं कट्टरपंथियों का है। ये रिपोर्ट सामने आई है कि मालदीव के राष्ट्रपति ने कट्टरपंथी संगठनों से ये वादा किया था कि वो हर हाल में भारत को मालदीव से आउट करके ही दम लेंगे और इसी एजेंडे को पूरा करने के लिए मालदीव की जेलों के जरिए आतंकियों और ड्रग तस्करों का नेटवर्क मजबूत किया गया है। अब जो जानकारी आप तक पहुंचाने जा रहे हैं वो बेहद खास है, बहुत अहम जानकारी। न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों से मालूम चला है कि बीते कुछ साल में बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में मालदीव से युवा सीरिया में आतंकी संगठन आईएसआईएस में शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, कट्टरपंथियों के गुट मालदीव के राजनीतिक दलों को पैसे तक पहुंचाते हैं और साथ ही साथ मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू के इन कट्टरपंथियों से रिश्ते भी हैं। ये बहुत बड़ा खुलासा है सूत्रों के हवाले से और इस वजह से वहां की सरकार उन कट्टरपंथियों के इशारे पर काम भी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। ये कट्टरपंथी मालदीव को एक कट्टर मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, इसलिए वो भारत के खिलाफ खड़े हैं, जबकि भारत और मालदीव की दोस्ती काफी पुरानी रही है। मालदीव के अंदर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और वहां आतंक को बढ़ाने में चीन का भी हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि दुनिया जानती है कि चीन के उकसावे पर मालदीव के मंत्रियों ने भारत विरोधी ट्वीट किया और जब मालदीव को लगा कि उनका दांव उल्टा पड़ गया है तो मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू सीधे चीन के पैरों में नाक रगड़ने के लिए पहुंच गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में मालदीव ने चीन से भारी कर्ज लिया है। आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल मालदीव की जीडीपी का करीब 6.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जबकि मालदीव के बजट का करीब 10% हिस्सा चीन का कर्ज चुकाने में चला जाता है। भविष्य में अगर कर्ज समय पर नहीं वापस हुए तो मालदीव के आइलैंड भी चीन के हाथों में जा सकते हैं। वहीं 2023 में मालदीव आने वाले चीनी पर्यटकों की तादाद में अचानक से तेजी देखने को मिली है। 2022 में मालदीव पहुंचने वाले टूरिस्टों में चाइनीज 27वें नंबर पर थे, जो 2023 में अचानक से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। चीन हमेशा जिनके साथ डील करता है उन्हें बर्बाद करके छोड़ता है। भारत के साथ तनाव का चीन पूरा फायदा उठाना चाहता है, इसलिए मुइजू के समर्थन में चीन ने उनकी यात्रा को मालदीव के हितों से जुड़ा बताया है। लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि अगर भारत के लोगों ने मालदीव से मुंह मोड़ लिया तो उसका बैंड बच जाएगा। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। वहां जीडीपी का करीब 28% हिस्सा टूरिज्म का है और आंकड़े बताते हैं कि मालदीव की सैर करने के लिए सबसे अधिक सैलानी भारत से ही जाते हैं। पर्यटक सैलानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत हिस्सा माने जाते हैं। ये वो सैलानी होते हैं जो किसी भी देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसका जिक्र करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि ये आंकड़े बताएंगे कि किस तरह से मालदीव जाने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ी। लेकिन जो विवाद इन दिनों सामने आया है, जिस तरह से मालदीव ने अपना ये बयान यहां पर सामने रखा, उनके मंत्रियों के जरिए बयान रखा गया, उसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि मालदीव की तरफ ना रुख किया जाए, आम से लेकर खास में गुस्सा है। आंकड़े देख लीजिए, साल 2020 में 63,000 ऐसे सैलानी रहे, भारतीय सैलानी, जो कि मालदीव में गए। इसके अलावा साल 2021 में यह आंकड़ा देखिए, 63,000 से बढ़कर 2,91,000 तक पहुंच जाता है। कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, मालदीव की तरफ रुख करने वाले सैलानियों की जो संख्या है वो लाखों तक पहुंच जाती है। साल 2022 आप देखिए, 2,41,000 सैलानी मालदीव जाते हैं, लेकिन जिस तरह का बयान उनके मंत्रियों के जरिए सामने आया है, अब इतनी तो यहां पर तस्वीर तय नजर आती है कि हालत आगे खस्ता हो सकती है। अब साल 2023 यानी कि जो गया हुआ साल है उसमें देखिए, 2,09,198 जो सैलानी हैं वो मालदीव की तरफ रुख करते हैं भारत की तरफ से। लेकिन अब ये पूरा विवाद जो सामने है, इसका खामियाजा मालदीव को, उसकी अर्थव्यवस्था को पर्यटन के लिहाज से भुगतना पड़ेगा। ऐसे में अगर भारत मुंह फेरता है या भारत के लोग यहां जाना बंद कर दें तो मालदीव में आर्थिक संकट गहरा हो जाएगा। इसका मालदीव को आर्थिक तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। रही बात भारत के साथ मालदीव के व्यापार की,
तो साल 2023 में भारत ने मालदीव से जहां 41.02 करोड़ डॉलर का निर्यात किया था, वहीं 61.9 लाख डॉलर का आयात किया था। 2022 में निर्यात का आंकड़ा 49.54 करोड़ डॉलर का था, जबकि आयात का आंकड़ा 61.9 लाख डॉलर का था। मालदीव की अर्थव्यवस्था में भारत का बड़ा योगदान है और कई चीजों को लेकर वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। लेकिन मालदीव में चीन समर्थित सरकार के सत्ता में आने के बाद से भारत के साथ उसके रिश्तों में काफी तनाव आ गया है। आइए अब आपको तफसील से बताते हैं कि ये पूरा मसला है क्या और आखिर शुरू कैसे हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर जाते हैं और वहां से अपनी एक शानदार तस्वीरें जो हैं वो यहां पर उनके जरिए भारत के लोगों के लिए साझा की जाती है कि देखिए लक्षद्वीप आखिर कितना खूबसूरत है, कितनी भव्यता अपने में लिए हुए है। पीएम मोदी की तस्वीरों ने लक्षद्वीप के मालदीव से बेहतर होने की जो चर्चा है वो वहां पर तेज हो जाती है, यानी कि लोग आपस में इस बात को लेकर चर्चा करने लग जाते हैं कि मालदीव भी ज्यादा खूबसूरत देखिए किस तरह से लक्षद्वीप है। मंत्री मरियम शुना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक इस तस्वीर को देखने के बाद वो कर देती है, उनकी तरफ से ट्वीट आता है जिसके बाद घमासान यहां पर मच जाता है। और मंत्री मालशा शरीफ ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक पोस्ट यहां पर उनके जरिए भी कर दिया जाता है। मंत्री अब्दुल्ला मेजूम माजिद ने भी भारत का मजाक इस तस्वीर के सामने आने के बाद उड़ाया, जिसके बाद ये पूरा विवाद पूरी तरह से यहां पर फैल जाता है। और देखिए भारत की तरफ से कदम जो उठाए जाते हैं उसके बाद मालदीव जो है वो यहां पर झुका नजर आता है। अपने तीनों ही डिप्टी मंत्रियों को उनके जरिए बर्खास्त कर दिया जाता है, निष्कासित कर दिया जाता है। विवाद बेकाबू होता नजर आया तो डैमेज कंट्रोल के लिए मालदीव सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन भारत विरोध के खिलाफ मालदीव में हंगामा ऐसे बरपा है कि अब बात मालदीव के राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गई है।